हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे जीमेल आईडी कैसे बनानी है, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास जीमेल आईडी नहीं है, ठीक है, और उसकी रिक्वायरमेंट है हर एक जगह है। जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम वगैरह भरते हो वहाँ पे भी जीमेल आईडी मांगते हैं, जैसे हमारे ऑफिस में भी, जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह आपकी ऑनलाइन हो रही है तो उसके लिए भी आपकी जीमेल आईडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो चलो हम सीखते हैं जीमेल आईडी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमारे मोबाइल फ़ोन में एक ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है ना। मेरे मोबाइल फ़ोन में क्रोम है तो मैंने क्रोम खोल लिया, ठीक है, जहाँ पे हम गूगल वगैरह पर जाते हैं। अब यहाँ पे टाइप करेंगे जीमेल उस और सर्च कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जीमेल गूगल पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे एक पेज खुल गया। इस पेज पे आए कि अपनी ईमेल आईडी डालो और नेक्स्ट पे क्लिक करो, पर हमने नया अकाउंट बनाया तो उसमें हमें क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे हमको अपनी डिटेल डालनी है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट नेम, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, फिर लास्ट नेम डालना है, फिर यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। चलो मैं अपना नाम डालता हूँ अमन, फिर अब मेरा लास्ट नेम सैनी। आपको भी ऐसे करना, अपना नाम उसके बाद लास्ट नेम, फिर यूजर नेम। यूजर नेम क्या है, अपनी ईमेल यूनिक, ये यूनिक होगी तो इसलिए ऐसे डालना कि आपकी याद भी रहे, ठीक है ना। ईमेल आईडी जैसे मैं डालता हूँ अमन सैनी 777, ठीक है। अब पासवर्ड डालता हूँ, कुछ अपना पासवर्ड ऐसे रखना है जो आपकी याद रहे। जैसे मैं डाल रहा हूँ अमन, यानी 6116, ठीक है। उसके बाद दोबारा पास एक बार दोबारा डालना है पासवर्ड, अमन सैनी और 6116, ठीक है। और आपका पासवर्ड 8 डिजिट तक का होना ही चाहिए, ठीक है। और पासवर्ड ईमेल आईडी याद भी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखो ये ईमेल किसी ने पहले ही ले रखी है तो हमें कुछ अलग डालना पड़ेगा अपने ईमेल आईडी पे, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं और कुछ लिख के देखते हैं, जैसे अमन सैनी 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट करके देखते हैं। अब देखो ये कह रहा है दैट यूजर नेम इज टेकन, ये ऑलरेडी किसी ने ले रखा, तो हम और कुछ कर देते हैं, अमन 531995 सैनी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखो ये हो गया। अब देखो वेरिफिकेशन होगी आपकी ईमेल आईडी की, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 8708102588। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए आपके पास इसी नंबर पे एक कोड आएगा, ठीक है। वो कोड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, देखो मेरे मोबाइल पे कोड आ गया 127352। ये डालने के बाद आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देना, ठीक है। देखो वेरीफाई हो गया, अब आपसे और डिटेल मांग रहे हैं, मोबाइल नंबर तो ही हो गया, रिकवरी ईमेल ये रहने दो। नेक्स्ट में है मंथ, डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ पे, क्योंकि अभी अगर आपकी जीमेल आईडी वगैरह ना चले, ठीक है, तो ये उसके लिए मांग रहे हैं कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाओ तो ये आपसे कुछ पूछेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है, तो आप बता सको। जैसे मैं अपनी डाल रहा हूँ 5 मार्च 1995। नीचे अपना जेंडर मेल और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब इसके बाद है कि वीडियो को इसके इस ऑप्शन पे स्किप कर दो, ठीक है। नीचे जाके ये एग्रीमेंट है, ठीक है, प्राइवेसी एग्रीमेंट, आई एग्री विद गूगल एग्रीमेंट, ठीक है। जिस टैप होने के बाद आपकी जीमेल आईडी
बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने अपनी जीमेल आईडी का नाम क्या रखा, अमन 531995 sani@gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड भी याद रखना है आपको। देखो ये बन गई। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यूज़ द वेब वर्जन, क्योंकि हमने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर रखी जीमेल की, हम सिर्फ वेब में चला रहे हैं ब्राउज़र में, ठीक है। तो हम यूज़ द वेब वर्जन पे क्लिक करेंगे। देखो ये हमारे जीमेल अकाउंट खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक मेल लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिसको भी ईमेल सेंड करनी है टू, उसकी ईमेल आईडी डालेंगे। मैं अपनी दूसरी ईमेल आईडी पे सेंड करके देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जिसको भी सेंड करना है उसकी ईमेल आईडी लिख लें। जैसे मैं अपनी दूसरे वाली ईमेल आईडी लिख लेता हूँ, अमन सैनी 5395, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट में, मतलब यहाँ फोटो भी भेज सकते हैं। यहाँ पे साइड में क्लिक करके अटैचमेंट वाला साइन बना हुआ ना, इससे फोटो अटैच है फाइल, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, हाय हाउ आर यू, ठीक है। इसके बाद सेंड पे क्लिक करेंगे तो मेल सेंड भी हो जाएगी, ठीक है। ओके, ऐसे आपकी ईमेल आईडी बन जाएगी। अगर आपको इस किसी भी टाइम में प्रॉब्लम आए, ठीक है, आप मैसेज में भी पूछ सकते हो, ठीक है। टेक केयर। जिस अपनी जिस जिसकी जीमेल आईडी नहीं है वो बना के देख लो, ठीक है।